पीपल फार्म की स्टार रेजिडेंट काउ है टोफू, और वो स्टार क्यों है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, पर उससे पहले ये देखते हैं कि वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करती है। हाय विनेश भैया। हेलो। अभी आप क्या करने वाले हो? अभी मैं टोफू को आउटर काउ शेड से निकाल के एनिमल शेड में लेके जा रहा हूँ, जहाँ ये पूरा दिन क्या करेगी, अपने क्या कारनामे करती है ये आप खुद देखेंगे। ओके। हे टोफू, हे, चलिए तो जब भी फार्म पे कोई विजिटर्स आते हैं, सारे एनिमल्स में से सबसे पहले टोफू उनसे मिलने आती है और उनका स्वागत करती है। और ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि ये बहुत बड़ी अटेंशन सीकर है। और इसके अटेंशन सीकिंग के किस्से तो हमारे वॉलंटियर्स में भी मशहूर है, क्योंकि जब भी वो हमारे लार्ज एनिमल्स को ब्रश करने लगते हैं तो ये चुपके से आके उनके सामने खड़ी हो जाती है, जैसे बोल रही हो कि मुझे भी ब्रश करो। टोफू और इसकी माँ को ना कोई सराह गौसदन के पीछे पहाड़ी से धक्का मार गया था, है क्या? उसने इसको अभी अभी जन्म दिया था, तो कई बार गाय जन्म देने के बाद एकदम बैठ जाती है, क्योंकि लोग दूध तो निकाल लेते हैं पर फीड वगैरह पूरी देते नहीं, तो इससे मिल्क फीवर हो जाता है, उन्हें कमजोरी सी हो जाती है। तो वैसे ही ज्यादा दूध देने वाली थी नहीं, बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उनको कोई फेंक गया। वहां से हमें फोन आया, हम इसे ले आए, तो अब उसके पास दूध था, पर अगर हम टोफू को उसका दूध पीने देते ना तो वो और ज्यादा कमजोर होती जाती। उसको वैसे ही हमने हॉस्ट पे रखा बेचारी को, ताकि वो खड़ी हो सके, उसका डाइजेशन ना खराब हो जाए। तो बाजार से लेके फिर हमने बोतल से टोफू को दूध पिलाना शुरू किया। मतलब है तो वो भी गलत ही, भाई किसी और बछड़े का हम हिस्सा मार रहे हैं, पर उस दूध को पी के कोई हट्टा कट्टा आदमी और मोटा हो, इससे अच्छा तो ये है ना कि इस बच्चे की जान बच जाए। तो ये जी गई, ये ठीक रही, तो हमने कहा कि भाई एक तो वैसे ही ये बच्चा अब यहाँ पला बड़ा है, तो इसको क्या हम छोड़ेंगे सड़क पे, इसको तो यही पता है ना कि भाई लोग टाइम से खाना देते हैं, प्यार करते हैं, सड़क पे गाड़ियां, तो इसका तो हमने फैसला ले लिया कि भाई इसको तो यहीं पे रखना है। इसकी माँ का हमें जो है पक्का था नहीं। टोफू, बंदी बात, ये टोफू है ये बहुत ही शैतान है, मैं जब भी चाय पीने लगती हूँ ये पहले आ जाती है, बोलती है मुझे दे लो पहले चाय, चाहे वो कुछ भी हो। ये टोफू बचपन से ही ऐसी है, जहाँ पे भी कोई खड़ा होता है खाने के लिए या मैं खड़ी होती हूँ ये वहाँ आ जाती है, और ऐसे मुंह बनाती है जैसे कि उसको भूख लगी हो और हमेशा खाने को मांगती है वो। अगर हम किसी जानवर को फीड डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, वो उनका खाना चुरा लेती है। कभी भी वो फीड एरिया में घुस के केले चुरा रही होती है, कभी गाजर चुरा रही होती है। उसको इतनी अटेंशन चाहिए कि अगर मैं किसी जानवर का ट्रीटमेंट कर रही हूँ, ये वहाँ पे भी आके कभी कान चाट रही है, कभी मेरे बाल खींच रही है, कुछ ना कुछ शरारत करती रहती है वो। और टोफू के किस करने के किस्से तो बचपन से ही फेमस है, वो किसी को भी जाके, चाहे वो जानवर है वो उसको किस कर रहा है, चाहे वो एनिमल है वो उसको किस कर रहा है, और वो हर किसी से अटेंशन पा ही लेती है वो, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। तो जब टोफू थोड़ी और बड़ी हो गई ना, तो ये माँ के बिना भी रहना इसने शुरू कर दिया। तो फिर उस समय हमने फैसला लिया कि भाई इसकी माँ को तो हमें रिलीज करना पड़ेगा, भाई देखिए आखिरकार हम अस्पताल हैं, हम कितनों को रख लेंगे, अब ये बच्चे की तो मजबूरी थी क्योंकि ये सड़क पे अब जिंदा रह नहीं सकती थी। फिर इसकी माँ को हमने रिलीज किया। अब देखिए, अब हमें कहेंगे माँ बच्चे को अलग कर दिया, पर ये गलती हमारी नहीं है, गलती ये डेयरी वालों की है, जो पैदा कर करके बच्चों को माँ से अलग करते हैं, वो गाय सड़क पे आनी नहीं चाहिए। खैर, मैं ज़्यादा डेयरी के बारे में नहीं बोलूँगा। हमने इसका नाम टोफू इसलिए रखा कि लोग इतना फ्रेंडली हो जाते थे इससे, फिर वो पूछते थे टोफू का क्या मतलब है, तो टोफू सोए का पनीर होता है ना, इसकी माँ का नाम हमने सोए रखा, इसका नाम हमने टोफू रखा। भाई हमें लगा कि देखो लोग जो है अपना स्वाद नहीं छोड़ेंगे ना जीभ का, उन्हें तो पनीर चाहिए, तो इसलिए अगर एक बार उन्हें टोफू के बारे में पता लगता है कि भाई एक पनीर जो
सोयाबीन का बनता है जिसके लिए कोई गाय नहीं मरती, तो हो सकता है 100 में से कोई 2-3 लोग हों जिनकी आत्मा जाग जाए। पहले ये पानी पिएगी यहाँ पे, अभी रोज का इसका है कि पहले निकलती पानी पीती है यहाँ पे। अभी टोफू आउटर का सेट में जाएगी और वहाँ डिनर करके अपने दोस्तों के साथ आराम करेगी। नहीं नहीं, ये नहीं खाने, बिल्कुल नहीं खाने। तो मैं नहीं कहता कि आप पनीर खाना छोड़ के टोफू चुनिए, पर हाँ टोफू की कहानी तो आगे पहुँचाइए ताकि हर कोई अपना चुनाव खुद कर सके।